हेलो, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विंडोज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो विंडोज 10 के अंदर इनबिल्ट लाता है और इसको हम विंडोज डिफेंडर के नाम से भी जानते हैं। इस पर हमने एक दो वीडियो और बनाई थी और हमने एक और वीडियो फाइनली एक और वीडियो बनाने का सोचा। इसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं पूरी पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप हमारी पूरी वीडियो को देखिए, इसके अंदर हम इसकी सभी जो फीचर है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो विंडो डिफेंडर ऐप है ये टॉप 5 सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर 3 पे आता है। तो आज हम इसके फीचर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन कैसे करना है, ये बिल्कुल सरल है। आपको सर्च बॉक्स में लिखना है विंडोज और आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी, ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से टास्क आइकन पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसके अंदर बहुत सारे टैब मिलते हैं हमें, जैसे कि होम, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायर एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऐप ब्राउजर कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी, डिवाइस परफॉर्मेंस, हेल्थ और फैमिली ऑप्शन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जिस बात करने वाले टास्क की वो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ये क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर क्लिक किया और इसके अंदर हम जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर हमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा करंट थ्रेट, यानी आपने इसको लास्ट बार कब स्कैन किया कंप्यूटर को। हमने 6/9/2019 को स्कैन किया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर ये भी बताएगा लास्ट स्कैन कितना टाइम लगा और हमने कौन सा स्कैन किया, हमने क्यों स्कैन किया है ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी क्यों स्कैन से बात करते हैं, इसके अंदर स्कैन करने के कितने तरीके हैं। इसके अंदर स्कैन करने के दोस्तों 4 तरीके अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक स्कैन। क्विक स्कैन का मतलब ये है कि आपके सी ड्राइव के जो मेन फोल्डर है और उनको स्कैन करता है। इसके अंदर मात्र कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, सेकंड तो नहीं कहूँगा, मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद में आता है फुल स्कैन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका हार्ड ड्राइव के सभी फोल्डर को स्कैन करता है। अगर आप एक SSD का उपयोग करते हैं तो 1 TB हार्ड ड्राइव को स्कैन करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आप हार्ड ड्राइव उपयोग करते हैं तो 4 से 6 घंटे का टाइम भी दे सकता है 1 TB के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, हर 3 महीने बाद फुल स्कैन जरूर करें, क्योंकि जब हमने इसको फुल स्कैन किया तो हमारे कंप्यूटर से एक वायरस निकला जो क्विक स्कैन से नहीं निकला। तो आप हमेशा एक बार 3 महीने में फुल स्कैन जरूर करें। अब बात करते हैं इसके तीसरे ऑप्शन की, जिसका नाम है कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी हार्ड ड्राइव को या किसी फोल्डर को स्कैन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेमोरी कार्ड लेके आए हैं और आप उस मेमोरी कार्ड को स्कैन करना चाहते हैं तो कस्टम स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। केवल एक इसके अंदर भी कर सकते हैं, बाहरली तरफ से भी कर सकते हैं। इसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है विंडो डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा और वो डोज के अंदर आपके कंप्यूटर स्कैन करेगा। इसका उपयोग तब भी किया जाता है जब कोई ऐसा वायरस आ गया जो इन ऑप्शन से निकल नहीं रहा, तीनों ऑप्शन से, तो आप विंडो डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन का यूज़ कर सकते हो और इस वायरस को निकाल सकते हैं। वेल दोस्तों, ये हमने इसके स्कैन का पूरा पूरा फंडामेंटल आपको समझा दिया है। अब हम फिर से चलते हैं होम पे और नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंट प्रोटेक्शन, ये क्या है और किस काम आता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने बाद ही आपके जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है ये उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अगर आप उससे इसको लॉगिन कर देते हैं एंटीवायरस को, तो आपके कंप्यूटर में जो विंडोज स्टोर है, स्काइपी है, वो सभी को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और ये हमारा राइट का चिन्ह आ रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है डायनेमिक लॉक, ये क्या है और ये क्या है और कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले डायनेमिक लॉक के आता है डायनेमिक लॉक की सेटिंग। तो हम डायनेमिक लॉक की सेकंड क्लिक करते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है विंडोज हेलो ऐप। वेल दोस्तों, ये अगर आपका लैपटॉप है तो उसके अंदर वर्क करेगा, डेस्कटॉप अंदर वर्क नहीं करेगा, शायद कर भी सकते हैं लेकिन मेरे अंदर वर्क नहीं कर रहा। ये स्पेशली आपके फेस के द्वारा आपके जो ऐप है उनका लॉक ओपन कर सकता है। यह तो विंडोज फिंगरप्रिंट, अगर आपके लैपटॉप के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है तो उसके द्वारा आपके लैपटॉप का लॉक खोल सकता है। विंडोज हेलो पिन, इसके अंदर आप कोई पिन लगा सकते हैं, जैसे मैंने भी इसके अंदर पिन लगाकर अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूँ। सिक्योरिटी की, इसके अंदर आप स्पेशली पेन ड्राइव द्वारा आपके कंप्यूटर को लॉक ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड लगा सकते हैं, आपका नाम का वगैरह जो भी है या साइन इन का जो भी है। पिक्चर का जो पासवर्ड वो लगा सकते हैं। और इसके अंदर सबसे एक और अच्छा फीचर डायनेमिक लॉक, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस,
जैसे ब्लूटूथ बात करें तो अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है तो मोबाइल का ब्लूटूथ, दोनों का आप ब्लूटूथ पेयर कर लीजिए। आप पास रहेंगे जब तक लॉक खुला रहेगा, जैसे आप दूर गए आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। तो ये डायनेमिक लॉक है। वेल दोस्तों, ये उन लोगों के लिए ठीक है जो अपने लैपटॉप लेकर बाहर कहीं जाते रहते कॉलेज वगैरह में, तो उनके ठीक है, पर डेस्कटॉप के लिए इनका मुझे नहीं लगता इनकी ज़रूरत है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट इनका फीचर है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले आपको कि ये नहीं पता फायरवॉल क्या होती है, इतना समझ लीजिए जो बाहर के वायरस होते हैं दोस्तों, ये उनको अंदर नहीं आने देता, और आपके अंदर के वायरस होते हैं वो उन्हें बाहर नहीं जाने देता। ये नहीं, एक प्रकार की वॉल है, फिल्टर भी कह सकते हैं, एक प्रकार का फिल्टर ही है, ठीक है, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो इसके अंदर तीन आता है दोस्तों, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, डोमेन नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क दोस्तों स्पेशली आपके मल्टीपल जो पल कंप्यूटर होते हैं ना, तो ये उनके लिए किया जाता है। वेल इसका उपयोग हम तो नहीं करते वैसे। अब बात करते हैं प्राइवेट नेटवर्क। देखिए प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, सिंपल में समझिए। फॉर एग्जांपल जो आपका वाईफाई राउटर होता है ना, तो वाईफाई राउटर द्वारा अगर आप आपके कंप्यूटर नेट चलाते हैं, या फिर छोटा सा पिन आता है टीपी लिंक जो भी है उसके द्वारा नेट चलाते हैं, तो वो प्राइवेट नेटवर्क हुआ है, ठीक है। और पब्लिक नेटवर्क क्या होता है कि इसके अंदर आप अगर ब्रॉडबैंड से नेटवर्क चलाते हैं जैसे BSNL जियो से, तो वो पब्लिक नेटवर्क होगा, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो इनमें जो IP होता है, एक तो होते प्राइवेट नेटवर्क के IP होते हैं, पब्लिक नेटवर्क IP। जो प्राइवेट नेटवर्क IP है ये हमें हमारा जो राउटर है वो देता है, जो प्राइवेट होती है हमारे क्षेत्र के लिए। लेकिन जो पब्लिक IP होती है ना, वो पूरी दुनिया में देख सकती है और सब जगह यूज़ कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, ये दोनों अपने में एक अलग चैप्टर है। अगर इनके बारे में 5-10 मिनट की वीडियो बनाए तब ये पूरी तरह समझ आता है। वेल दोस्तों, अगर आपको बस इतना शॉर्ट में बताया, ये इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों हमने ऑन कर रखे हैं, प्राइवेट नेटवर्क के लिए फायरवॉल ऑन कर रखा है, पब्लिक के लिए भी ऑन कर रखा है। ये ऑलरेडी ऑन, अगर ये ऑफ हो तो आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऑन है। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मेरा ये कंप्यूटर है इसके अंदर सभी के अंदर राइट है, तो ब्लू ब्लू के राइट मार्क है, इन कंप्यूटर कोई इशू नहीं है। अगला बात करते हैं ऐप, नेक्स्ट टॉपिक इनमें एप्स एंड ब्राउजर कंट्रोल। इसके अंदर क्या करना है कि इसके अंदर देखिए दोस्तों, स्मार्ट स्क्रीन है, यानी अगर आप जो आपका वेब ब्राउजर है उसके अंदर इसका ज़्यादा उपयोग है। जैसे ऐप, अगर आपको ऐप के अंदर कोई भी वायरस वगैरह आए या कुछ गलत चीज़ आए, तो आपको ये उसके साथ ये क्या करेगा, ब्लॉक करना है, वार्न करना है, ऑफ करना है, यानी उसको बंद करना है या आपको चेतावनी देनी है। इसी के अंदर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंगेज ब्राउजर कर रहे हैं और कोई वायरस वाली साइट्स पे आप क्लिक कर ले, तो क्या करना है, उसको साइट को ब्लॉक करना है, आपको बताना है कि इसमें वायरस है या बंद करना है। इसी प्रकार का आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में कोई ऐप है उसके अंदर कुछ वायरस अगर कुछ गलत चीज़ है, तो ये आपको वार्न करेंगे, बंद करा है, तो इसके लिए इनका उपयोग है। आप सेटिंग अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका है इजोलेटेड ब्राउजिंग। ये स्पेशली इतना समझ लीजिए, जो इनका इंगेज ब्राउजर है दोस्तों, और भी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके पहले दोस्तों इंगेज यूज़ ही कोई करता है, सब गूगल का यूज करते हैं, खैर छोड़ो। नेक्स्ट है डिवाइस सिक्योरिटी। वेल दोस्तों, ये मेरे इसके अंदर काम नहीं करता, ये लैपटॉप के अंदर बेटर वर्क करेगा, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। एंड इनका एक और फीचर है डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। इसके अंदर स्पेशल दोस्तों ये है कि अगर आपकी सी ड्राइव भर गई है, तो ये बताएगा कि इस स्टोरेज कैपेसिटी का कोई इशू है सी ड्राइव के अंदर। ऐप सॉफ्टवेयर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके बारे में बताएगा, विंडोज टाइम सर्विस के बारे में भी ये आपको बताएगा कि किधर क्या इशू आ रहा है। इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन दिया दोस्तों फ्रेश स्टार्ट। इसके अंदर स्पेशली क्या होता है कि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर रीसेट कर लें, यानी रीसेट के अंदर क्या होता है, जो सेटिंग पहले वाली होती है, जैसे मोबाइल लोग बहुत करते हैं ना, मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होने लगता है और समझ नहीं आता कि अगर तो रीसेट कर देते, इसी के अंदर ये रीसेट का इन्होंने कुछ बनाया है। रीसेट जैसा ही है, ये रीसेट तो नहीं कह सकते, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है फैमिली ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हेल्प प्रोटेक्ट योर किड ऑनलाइन, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, आपके बच्चे के पास भी लैपटॉप है, आपकी बीबी के पास भी लैपटॉप है, तो उन जो बच्चा बीबी उनके आईडी आप इधर डाल दीजिए, वो क्या क्या कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनके ब्राउजर में क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ऑनलाइन उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं, उन्होंने कब कंप्यूटर लास्ट बार कब विजिट हो वो देख सकते हैं, उनके लिए है। तो इस काम के लिए ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर शायद बताना भूल गया हूँ मेरे अकॉर्डिंग,
ये वाला वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट। अगर देखिए दोस्तों, आप अगर आप चाहते हैं कि आप केवल एंटीवायरस को ही अपडेट करें, क्योंकि कभी कभी जब आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट ज़्यादा आया हो रखा होता है, और तो आप चाहते हैं कि एंटीवायरस को अपडेट करें, तो आप इसको क्या इसी को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देखिए अपडेट फोर, तो ये देखिए 7/9/2019 को मैंने अपडेट किया। अगर इसी को अपडेट करना है और बाकी चीज़ अपडेट नहीं करना, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए चेक फॉर अपडेट, और ये यहाँ से अपडेट होना शुरू हो जाएगा। हाल फिलहाल मेरे इंटरनेट बंद है इसलिए नहीं बता रहा, तो ये आपका केवल एंटीवायरस ही अपडेट हो जाएगा। ये इसका सबसे अच्छा फीचर है केवल इसी को अपडेट करना चाहते हो तो। पहले दोस्तों, मैंने इसके बारे में जितना मुझे मालूम था वो सभी सभी जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।